आपका सवाल लंबा था, मैं तकरीर नहीं कहूँगा इसलिए कि आपने ठीक सवाल किया है। मेरा जवाब ये है, मेरा जवाब ये है कि IMF इमरान के पास गया था या इमरान IMF के पास गया था? इमरान ने कहा था मैं आपको पब्लिक अप्रूवल दूंगा, या IMF ने जाके इमरान को जमान पार्क में पब्लिक अप्रूवल मांगी थी? जो दरमियान में जामिन बनता है उसके लिए मैंने आसान लफ्ज़ों में कहा है कि जामिन को ख़त लिखना कि तुम जमानत पे पूरे नहीं उतर सके और आइंदा जो कर्ज दोगे वो चोरी में चला जाएगा, ये रिमाइंडर है, ये ख़त नहीं है। अगर ख़त भी है तो बिल्कुल दुरुस्त ख़त है, इसलिए कि हमारा हक है कि वो इदारे जो आके PTI को इस काबिल समझते हैं कि वी आर दी गवर्नमेंट इन वेटिंग हमसे अप्रूवल मांगते हैं, हम उनको क्यों ना कहें कि जो पैसे आप दे रहे हैं मैंने वापस करने हैं, वो पैसे चोरों को दोगे चोर खा जाएंगे। अल्लाह आपको तौफीक दे उनसे सवाल पूछ दे, आमीन। इलेक्शन में बड़ा मतलब शोर मचाते रहे PTI वाले, 35 पेंचर वाले भी बात होते रहे। अभी PTI का बयान है कि हमारी सीट 179 है। सर अगर इतनी है तो फिर एहतजाज धरनों की तरफ PTI वाले क्यों नहीं जा रहे? उनका कोई स्ट्रांग और सख्त मौकफ नहीं आ रहा, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई? तीन बातें कह रहे हैं मेरे दोस्त। एक कहते हैं कि PTI कहती है 179 सीट्स पे चोरी हुई है, बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि आप किसी शदीद एहतजाज की तरफ क्यों नहीं जाते? ये वो जो कहता है ना अल्लाह के फजलो करम से, उसने अल्लाह के फजलो करम से लोगों को शदीद एहतजाज पे पहुंचा के छोड़ना है। अभी हम आइनी एहतजाज कर रहे हैं, कानूनी एहतजाज कर रहे हैं और वो जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरीका यही है, इमरान का तरीका, इस तर्ज सियासत ही यही है हमारा। एक दूसरा जो आपने सवाल किया वो ये है कि ये जो इलेक्शन है इसकी ज़रा क्रेडिबिलिटी देख लें, इसको किसने माना है अभी तक? सारी दुनिया में से किसी ने भी नहीं माना इसको। किसने मुस्तरद किया है? पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया है जी। सर PTI दौर में सबसे हाईएस्ट जो कर्जा है वो लिया गया 18 बिलियन डॉलर का 4 सालों में 3 सालों में, और इस साल के आखिर तक हमने 15 अरब डॉलर जो है वापस करने हैं, और उस तनाजर में तकरीबन 85% हमारी जो टैक्स आमदन है वो सूद की अदायगियों पर जा रही है। इस तनाजर में एक जो अपोजिशन की जमात है वो IMF को लेटर लेकर कहती है कि 1.1 बिलियन डॉलर की आपने ट्रांच अपना दें, क्या ये वजह वतनी होगी? आपका सवाल लंबा था, मैं तकरीर नहीं कहूँगा इसलिए कि आपने ठीक सवाल किया है। मेरा जवाब ये है, मेरा जवाब ये है कि IMF इमरान के पास गया था या इमरान IMF के पास गया था? इमरान ने कहा था मैं आपको पब्लिक अप्रूवल दूंगा, या IMF ने जाके इमरान को जमान पार्क में पब्लिक अप्रूवल मांगी थी? जो दरमियान में जामिन बनता है उसके लिए मैंने आसान लफ्ज़ों में कहा है कि जामिन को ख़त लिखना कि तुम जमानत पे पूरे नहीं उतर सके और आइंदा जो कर्ज दोगे वो चोरी में चला जाएगा, ये रिमाइंडर है, ये ख़त नहीं है। अगर ख़त भी है तो बिल्कुल दुरुस्त ख़त है, इसलिए कि हमारा हक है कि वो इदारे जो आके PTI को इस काबिल समझते हैं कि वी आर दी गवर्नमेंट इन वेटिंग हमसे अप्रूवल मांगते हैं, हम उनको क्यों ना कहें कि जो पैसे आप दे रहे हैं मैंने वापस करने हैं, वो पैसे चोरों को दोगे चोर खा जाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन?